हेलो एवरीवन, हमारे चैनल सिंपल नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली कुछ चीज़ों के बारे में, जिसे खाने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता आएगी, जिससे हम कोरोना जैसे महामारी से भी बच सकते हैं। आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाने से आप किसी भी बीमारी का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ही फायदेमंद है और ये आसानी से मिल भी जाएंगी। आप इसे खाकर अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं और ढेर सारी बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले कुछ चीज़ों के बारे में, जिसे खाकर आप अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों और कोरोना जैसे महामारी का भी डटकर मुकाबला कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू। पहला है गिलोय। गिलोय एक ऐसी बेल है जो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर उसे बीमारियों से दूर रखती है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर में से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। गिलोय खून को साफ करती है और बैक्टीरिया से लड़ती है। लीवर और किडनी की अच्छी देखभाल करती है। अगर किसी को बार बार बुखार आ रहा है तो उसे गिलोय का सेवन अवश्य करना चाहिए। गिलोय हर तरह से बुखार से लड़ने में मदद करती है। यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है। यह पाचन शक्ति को मजबूत करती है और आँखों की रोशनी बढ़ाती है। यह गठिया और खून की कमी को दूर करती है और सबसे बड़ी बात यह स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव भी दूर करती है, मोटापा दूर करती है। इसलिए आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय का उपयोग कर सकते हैं। तुलसी। आयुर्वेद में तुलसी के पौधे के हर भाग को स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बताया गया है। सर्दी खांसी से लेकर कई बड़ी बीमारियों में यह कारगर औषधि है। अगर आपको सर्दी या फिर हल्का बुखार है तो मिश्री काली मिर्च और तुलसी के पत्ते को पानी में डालकर काढ़ा बनाकर पीने से लाभ हो सकता है और तुलसी से इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता है। इडली। अच्छे खान पान से हम इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं। इसके लिए इडली का सेवन कर सकते हैं। यह पौष्टिक फूड है और इसे खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। दही। दही खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रतिदिन एक चम्मच दही खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। थाली में दही होने का मतलब है आपकी थाली स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी है। काली मिर्च। पाचन के लिए आहार में काली मिर्च का उपयोग करने से पाचन संबंधी समस्याओं से निजात मिलती है। सलाद, शिकंजी या सैंडविच कुछ भी बनाएं, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर छिड़क दें तो खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है और इससे शरीर स्वस्थ भी रहता है। लौंग। लौंग एक मसाला है, यह इम्यूनिटी बढ़ाता है। इन्फेक्शन और सर्दी जुकाम में बहुत ही फायदेमंद है। रोजाना दो लौंग चाय में डालकर पिए तो चाय का टेस्ट भी अच्छा आएगा और इससे इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा। शिमला मिर्च। शिमला मिर्च में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, सी और एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह अल्सर और गैस की समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। दिल से जुड़ी बीमारियों और मोतियाबिंद से भी बचाव करता है। ढोकला। ढोकले का सेवन करने से शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी घटती है। ढोकला में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। ढोकला खाने से आपके शरीर में नए सेल्स बनते हैं, क्योंकि ढोकला ज़्यादातर बेसन से बनता है, जिससे इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर और आयरन होता है। प्याज। प्याज खाने को स्वादिष्ट बनाने के साथ ही साथ पौष्टिक भी होता है। विशेषज्ञों के अनुसार कच्चा प्याज खाने से हाई ब्लड प्रेशर से लेकर कैंसर और हृदय से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। यह पाचन क्रिया को मजबूत करता है, जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। अदरक। अदरक एक बेहतरीन दर्दनाशक है। खांसी, जुकाम, बुखार और सर दर्द में इसका सेवन करने से तुरंत आराम मिलता है। यह एक गुड़ों से भरपूर मसाला है। यह दुनिया में सबसे ज़्यादा उपजाया जाने वाला मसाले के रूप में अदरक दुनिया का सबसे बहुउपयोगी औषधीय गुण वाला पदार्थ है। लहसुन। लहसुन खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। लहसुन का सेवन उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है जिनका खून गाढ़ा होता है। लहसुन को प्राकृतिक एंटीबायोटिक भी कहा जाता है। प्राचीन काल से ही लहसुन को सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी माना गया है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। टमाटर।
टमाटर का सब्जी, सलाद, सूप, चटनी और ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। टमाटर में विटामिन सी, पोटेशियम और विटामिन्स पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। टमाटर खाने से शरीर स्वस्थ रहता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। चुकंदर, चुकंदर में आयरन, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है, जिसके कारण यह शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। चुकंदर का सलाद खाना चाहिए और जूस भी पीना चाहिए, क्योंकि चुकंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। इसके फाइबर पेट को साफ रखते हैं। नींबू, खट्टे फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके लिए आप नींबू, संतरा, अंगूर जैसे फलों का उपयोग कर सकते हैं। नींबू पेट के कीड़ों को खत्म करता है, भूख बढ़ाने में मदद करता है और इससे इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। पालक, पालक आपको सेहतमंद बनाए रखता है, क्योंकि पालक में मैग्नीज, कैरोटीन, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस और अमीनो एसिड होता है, जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। पालक आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, जिससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और अगला है आंवला। आयुर्वेद के अनुसार आंवला एक ऐसा फल है जिसके अनगिनत लाभ हैं। आंवला कई तरह के रोगों के लिए औषध के रूप में काम करता है। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि आंवला को अनमोल गुणों वाला बनाते हैं। इसके बाद है अनार। अनार का सेवन करने से दिल से जुड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। रोजाना एक अनार खाने से कैंसर होने की समस्या से भी बचा जा सकता है। अनार का जूस पीने से स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और अनार इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग करता है। पपीता, पपीता स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। पपीता एक ऐसा फल है जो आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगा, और हर रोज पपीता खाने से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। आप पपीता को जूस के तौर पर भी ले सकते हैं, यह बहुत ही फायदेमंद होता है और इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा शहद का मुख्य काम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना ही है। शहद इम्यूनिटी पावर मजबूत करता है, जिससे कई प्रकार की संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। शहद में जरूरी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है। और आखिरी है एलोवेरा। एलोवेरा में विटामिन ए, सी और ई काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी हेल्दी सेल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और बालों को चमकदार बनाते हैं। एलोवेरा रक्त संचार बढ़ाने में असरदार होता है। इसमें विटामिन, मिनरल्स और एमिनो एसिड के साथ अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। एलोवेरा शरीर को स्वस्थ रखता है और इससे इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होता है। बताए गए चीज़ों में से आपको जो भी मिले, आप उसका उपयोग जरूर करें। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, जिससे आप कोरोना जैसे बीमारी से भी लड़ सकते हैं। आप इन सब चीज़ों का सेवन जरूर करें। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।